आइए जानते हैं अपने MOPF टीवी टैलेंट ऑफ द मंथ श्री चंद्रकांत मोरे जी से उनके बारे में। फर्स्ट टू सेवेंथ विक्टोरिया मेमोरियल स्कूल एक ब्लाइंड स्कूल है, वहाँ पे पढ़ रहा था। फिर उसके बाद 8 टू 10th भावसा वीरे विद्यालय, 11 टू 12 विल्सन कॉलेज और FY टू TY तक अभी मैं एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। और मैं पिछले 5 सालों से गिटार सीख रहा हूँ और जो मेरे गिटार के सर है उन्होंने मुझे गाना भी सिखाया, जिनका नाम है आरूप भौमिक। और अभी मैं सोमदत्ता करके एक टीचर है गिटार के मेरे, उनके पास गिटार सीखता हूँ। चंद्रकांत जी, मुझे ये जानकर भी अच्छा लगा कि आप मलखंब में भी महारत हासिल कर चुके हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। स्कूल ब्लाइंड स्कूल है, वहाँ मैं पढ़ता था तो उधर हर रोज़ मलखंब का क्लास होता था, तो मैंने वहाँ पे क्लास ज्वाइन कर लिया जो कि महेश मात्रे, सीतेश संगले, ये दो असिस्टेंट कोच थे उदय देशपांडे सर जी के। उदय देशपांडे सर जो है वो मेन कोच है। इन तीनों ने मिलके मुझे मलखाम सिखाया है और मैं उसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूँ मलखाम में, जैसे कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, फिर सलमान खान के साथ एक इवेंट आज कुछ तूफानी करते हैं, ऐसी जगह मैंने परफॉर्म किया है मलखाम को। मलखम्ब के बाद म्यूजिक जैसी नाजुक विधा के लिए कैसे आपका रुझान हुआ? मेरे 3-4 फ्रेंड थे जैसे कि विशाल, सागर, सिद्धेश पाटिल, सचिन पाटिल, ये लोग जो थे ये बहुत अच्छे से म्यूज़िक करते थे, तो मैं उनके साथ रहता था। उनको सुन सुन के मुझे भी फिर लगने लगा कि चलो हम भी कुछ तो करें म्यूज़िक में, बजाए। फिर उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि तुम गिटार अच्छे से करो, गिटारिस्ट को बहुत काम रहता है, तो उनसे मैं इंस्पायर होके गिटार सीखने लगा। और मलखम से ये सही में बहुत सॉफ्ट है और इसको मतलब क्या कहते हैं कि अपने अंदर रिझाने में बहुत टाइम गया, लेकिन म्यूज़िक का एक बहुत ही सही है कि कितने भी फ्रस्ट्रेशन होने दो या फिर नर्वसनेस, हैप्पी, फिर म्यूज़िक सुन लेते हो तो बहुत ही टेंशन फ्री हो जाते हो कोई भी सिचुएशन होने दो, तो म्यूज़िक सुनते वक्त बजाते वक्त बहुत हैप्पी फील करता हूँ मैं। आपके दृष्टि में हुई समस्या के विषय में आप हमें कुछ बताना चाहेंगे कि किस प्रकार आपने कैंसर को हराकर खुद को इस मुकाम पर पहुंचाया? उस संदर्भ में सर, एक्चुअली मैं से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम है कि तब मैं बहुत छोटा था, शायद 6 महीने तक था, तब मेरा लेफ्ट आई का ऑपरेशन हुआ, फिर कुछ राइट हैंड साइड की विजन 8-9 साल का था तब चली गई, फिर उसका भी ऑपरेशन हुआ, तो फिर फाइनली मैं टोटली ब्लाइंड हो गया। मैं बाय बर्थ टोटली ब्लाइंड नहीं हूँ, मुझे आई कैंसर की प्रॉब्लम थी, फिर धीरे धीरे विजन कम होती गई। अब आप गिटार सिखाते भी हैं तो आपको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब आप सिखाने का काम करते हैं? परेशानी तो आती रहती है लेकिन उसके अगेंस्ट फाइट करके आगे जाना चाहिए। परेशानी को हम लेके बैठेंगे तो बस हम रोते ही रहेंगे, आगे कब जाएंगे फिर, तो परेशानियाँ आती है। मैं सबको जिस स्कूल में मैं सीखा गिटार उसी स्कूल में अभी मैं एज अ असिस्टेंट जाता हूँ और उन बच्चों को सिखाता हूँ। अगर कोई भी मुझे विजन रिलेटेड दिक्कत आई क्लास में या फिर क्लास के बाहर, तो मेरा एक फ्रेंड है सिद्धेश परगुड़े करके, तो वो मुझे हमेशा ही गाइड करते रहता है, ही इज़ लाइक माई टेम्पररी आई, सो वो बहुत मुझे हेल्प करता है ये सब में। और जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चे हैं वो तो उठपटांग करते रहेंगे, उनको एक बार समझाने से नहीं समझते विजुअली देखा जाए तो उनको बहुत अच्छे से प्यार से समझाना पड़ता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, बार बार समझाना पड़ता है, फिर
कभी ना कभी वो समझ ही जाते हैं। म्यूजिक में और कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं जो आपको पसंद हैं? मुझे जैसे गिटार है, फिर एक मैंडोलियन है और बैंजो करके, उनका ये इंस्ट्रूमेंट का टोन बहुत अच्छा है। फ्लूट है जैसे, इनको जब फ्लूट को जब हम सुनते हैं तो बहुत ही सुकून महसूस होता है। अन्य किस प्रकार की गायकी के प्रति आपका रुझान है और आने वाले दिनों में आप किस प्रकार की अन्य शैलियों में भी गाना चाहेंगे? सर, मुझे गायकी इतनी अच्छी से आती नहीं, मैं गिटार अच्छे से बजा लेता हूँ, फिर भी मैं अगर कभी गलती से भी अच्छा गाने लगूँ तो मुझे गज़ल गाना बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि गज़ल गाते वक्त बहुत ही अलग ही माहौल क्रिएट होता है, बहुत शांत सुकून भरा महसूस होता है। हम दुआ करेंगे कि आप आने वाले दिनों में गज़ल गाकर भी सुनाएं और अपनी यह मंशा पूरी कर पाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। लाज बन गई है इसकी, जब से फिर राम विस्की।